changes. Welcome to भाई की भड़ाई सब्सक्राइबर, और जिन्होंने नहीं किया वो कर दो। और भाई लोग क्या हाल चाल, फाइनली तुम्हें याद आ गया कि पढ़ाई भी करनी होती है। चलो बढ़िया है, शुरू करने से पहले थोड़ी बकवास कर लेते हैं। सोचो अगर दुनिया में पेपर नहीं होता तो चीजें कैसे अलग होती। पॉइंट वन, ये जो अंग्रेज लोग हैं वो अपने चूतड़ पानी से ही धो रहे होते। पॉइंट टू, तुम रिटन एग्जाम की जगह ओरल एग्जाम में फेल हो रहे होते। पॉइंट थ्री, अगर कागज एग्जिस्ट नहीं करता तो मेरे पास पैसे नहीं होते। खैर वो तो अभी भी नहीं है। पर ये सोचो कि खाली पेपर का क्या काम। खाली पेपर तो बस टिश्यू पेपर ही होता है। पेपर मेनली यूज होता है प्रिंटिंग में, और जो हम चैप्टर पढ़ने वाले हैं, प्रिंट कल्चर एंड द मॉडर्न वर्ल्ड, वो इसी प्रिंटिंग के बारे में है। प्रिंटिंग की हिस्ट्री क्या है, वो डेवलप कैसे हुआ, उसकी वजह से वर्ल्ड में क्या सोशल और कल्चरल चेंजेस आए, और प्रिंटिंग का इंडिया और बाकी देशों पर क्या असर रहा। मोटा मोटा हमें यही पढ़ना है। जाओ एक पेपर तुम भी ले आओ जिस पर नोट्स बना सको। इतने महारथी तुम भी नहीं हो कि एक बार सुनकर तुम्हें सब याद हो जाए। प्रिंटिंग सबसे पहले चाइना, जापान और कोरिया में डेवलप हुई थी, और इस टाइप की प्रिंटिंग को हैंड प्रिंटिंग कहते थे। ये होती कैसे थी अब ये समझो। हैंड प्रिंटिंग जो नाम से पता चल रहा है, मैनुअली की जाती थी, यानी मशीनों का कोई यूज नहीं होता था। इसकी शुरुआत चाइना में 594 AD से हुई। इसमें पेपर को वुड ब्लॉक्स के सरफेस पर रब किया जाता था। उन वुड ब्लॉक्स पर इंक लगी हुई होती थी जिससे पेपर पर प्रिंटिंग होती थी, जैसे स्टैंप मारते हैं ना वैसे ही, समझे। तब पेपर थिन और पोरस होता था, यानी इतना पतला कि उस पर प्रिंट करो तो पेपर की बैक साइड पर भी इंक पहुंच जाती थी। इसलिए तब प्रिंटिंग पेपर के दोनों तरफ नहीं बस एक तरफ होती थी। यार वो जो चीनी लोग थे वो बुक अकॉर्डियन स्टाइल में बनाते थे। अब तुम सोच रहे होगे ये अकॉर्डियन स्टाइल क्या चीज है। यार वो इसमें बुक को फोल्ड किया जाता है और एक तरफ से स्टिच कर देते हैं। देखकर तुम्हारी बुद्धि में अच्छे से घुसेगा, तो ये देखो। अरे इसे देखकर मुझे अपने बचपन के गेम की याद आ गई, तुमने भी शायद खेला हो। उसका नाम था टिपी टिपी टॉप, व्हाट कलर यू वांट। उसमें एक कलर चूज करना होता था और फिर एक नंबर, और तुमको अपने एक सवाल का जवाब मिल जाता था। तो भाई हम तो बस यही सवाल रखते थे कि तुम्हारी शादी किससे होगी। और मेरा एक दोस्त प्रिया के प्यार में हमेशा पिंक कलर और नंबर 4 चूज करता था। प्रिया तो किसी और के साथ निकल ली, पर हम आज भी उस लड़के को पिंकी चौका के नाम से बुलाते हैं। प्रिंटिंग के आने के बाद बहुत लंबे समय तक चाइना सबसे बड़ा प्रोड्यूसर था प्रिंटेड मटेरियल्स का, और इसका एक रीजन था, ध्यान से सुनना, ये एग्जाम में एक नंबर के लिए पूछ लिया जाता है। चाइना का ब्यूरोक्रेटिक सिस्टम काफी बड़ा था, और वो ब्यूरोक्रेट्स को सिलेक्ट करने के लिए सिविल सर्विस एग्जाम करवाते थे। ब्यूरोक्रेट्स बोले तो जैसे अपने देश में IAS IPS है वो लोग। तो उस एग्जाम के लिए टेक्स्ट बुक बहुत बड़ी वॉल्यूम में प्रिंट होती थी, और 16th सेंचुरी से इस एग्जाम के कैंडिडेट्स की संख्या बहुत बढ़ गई थी, जिसके साथ और भी ज्यादा बुक्स प्रिंट करनी पड़ी। यार वही बात है ना, सबको अपने घर में IAS IPS चाहिए, या फिर लोगों को अपने प्यार का इंतकाम लेना होता है। मेरा दोस्त पिंकी चौका भी UPSC की तैयारी कर रहा है, प्रिया से इंतकाम जो लेना है। 17th सेंचुरी के आते आते चाइना में अर्बन कल्चर खिलने लग गया था, जिससे प्रिंटिंग के यूजेस और बढ़ गए थे। तो एक सवाल ऐसा आता है कि एक्सप्लेन हाउ ब्लूमिंग अर्बन कल्चर डाइवर्सिफाइड द यूजेस ऑफ प्रिंटिंग इन चाइना ड्यूरिंग 17th सेंचुरी। तो तीन पॉइंट्स याद रख लो। पहला, मर्चेंट्स यूज्ड प्रिंटिंग टू कलेक्ट ट्रेड इंफॉर्मेशन। दूसरा, रीडिंग इंक्रीजिंगली बिकेम अ लेजर एक्टिविटी।
यार उस टाइम पर टीवी फोन तो हुआ नहीं करते थे, तो लोग रीडिंग में ही एंटरटेनमेंट ढूंढ लिया करते थे। थर्ड पॉइंट, फीमेल पॉपुलेशन में भी लिटरेचर पॉपुलर हो गया था। रिच वुमेन बिगैन टू रीड एंड मेनी वुमेन बिगैन पब्लिशिंग देयर पोएट्री एंड प्लेज। वाइफ ऑफ स्कॉलर ऑफिशियल्स पब्लिश्ड देयर वर्क एंड कोटेशंस रोट अबाउट देयर लाइव्स। जो मैंने अभी पॉइंट बोला है इसमें कुछ समझाने का नहीं है, नॉर्मल इंग्लिश है, पर हो सकता है कि तुम लोगों को कोटेशन का मतलब ना पता हो। तो भाई कोटेशन का मतलब प्रोस्टिट्यूट होता है, जिसे हिंदी में रंडी या वेश्या भी कहते हैं। तुम्हें लग रहा होगा अब भाई कोई तगड़ी पंचलाइन मारेगा, बेटे पढ़ाई पे ध्यान लगा लो थोड़ा। पर यार पढ़ाई के साथ मजे भी होना जरूरी है, तो आओ तुम्हें एक किस्सा सुना ही देता हूँ। तो यार पहले मुझे लगता था कोटेशन का मतलब है कोर्ट में काम करने वाला पर्सन, यानी वकील या कोई जज, उसे कहते होंगे कोटेशन। तो यार मेरे एक दोस्त की मम्मी वकील थी, तो मैंने अपनी इंग्लिश शो ऑफ करने के चक्कर में ये बोला, तेरी मम्मी तो कोटेशन है ना, उनके तो बहुत सारे क्लाइंट होंगे। भाई यार वो गुस्सा होकर चला गया, उस दिन के बाद से उसने मुझसे बात नहीं की। खैर छोड़ो भाई, ये तीन पॉइंट जरूर याद कर लेना, वरना कहीं एग्जाम में भी ये क्वेश्चन देखकर पॉइंट्स की जगह मेरा किस्सा याद आए तुम्हें। और अगर याद आ भी जाए तो सोचना ये कहानी मैंने तुम्हें क्यों सुनाई थी। चलो अब थोड़ी पढ़ाई करते हैं। नए रीडिंग कल्चर के साथ नई प्रिंटिंग टेक्नोलॉजी भी आई, जो यूरोप में इन्वेंट हुई। इस नई प्रिंटिंग टेक्नोलॉजी का नाम था मैकेनिकल प्रिंटिंग। तो यूरोपियंस लेट 19th सेंचुरी में इस टेक्नोलॉजी को लेकर चाइना गए, जिससे वो वहाँ बिजनेस कर सके। तो शंघाई वो शहर था जो नए प्रिंट कल्चर का हब बना, जहाँ यूरोपियंस या वेस्टर्न पावर्स ने अपना अड्डा जमा लिया। ये शंघाई वाली बात एग्जाम में वन मार्कर के रूप में आ सकती है। अब बात करें चाइना के पड़ोसी जापान की। बुद्धिस्ट मिशनरीज चाइना से हैंड प्रिंटिंग टेक्नोलॉजी जापान में अराउंड 768-770 AD में लेके आए। तुम्हारे कचड़े दिमाग में मिशनरी का मतलब कुछ और होगा, पर इधर मैं बता दूं, मिशनरी वो लोग होते हैं जो फॉरेन कंट्रीज जाते हैं और अपने रिलीजन का प्रचार करते हैं। देखो जापान में प्रिंटिंग से रिलेटेड ज्यादा कुछ बताने का है नहीं, बस एग्जाम में दो वन मार्कर आ सकते हैं। पहला की फर्स्ट जापानीज प्रिंटेड बुक डायमंड सूत्रा थी, अच्छे से याद कर लो डायमंड सूत्रा, कभी एग्जाम में कामा सूत्रा लिख के आ जाओ, मैडम तुम्हें ही सूद देंगी। और दूसरा कि टोक्यो का पुराना नाम ईडो था। तो बस यारो अभी के लिए इतना ही, लेकिन हाँ जाने से पहले एक बात कहनी है यार, तुम लोग भाई की पढ़ाई को इंस्टाग्राम और टेलीग्राम पर फॉलो नहीं कर रहे, मैं ये बातें पढ़ाई की वीडियोस में नहीं करता हूँ, बट यार हमारी रीच उधर काफी कम है, तो जाओ फॉलो करो। और हाँ तुम्हारे भाई ने भी एक बुक प्रिंट कर रखी है जिसका नाम है चीट शीट, उसको भी तुम तुरंत ऑर्डर कर लो, लिंक इन डिस्क्रिप्शन। मिलते हैं अगले एपिसोड में। ओए गोकी आजा टिपी टिपी टॉप खेलते हैं, देखते हैं तेरी शादी किससे होगी। कलर बता, ब्लू। और नंबर 3। भाई तेरी शादी तो दीपक कलाल से होगी। BKP